राजस्थान के दौसा में एक 2.5 साल की बच्ची बोरेवेल में गिर गई थी, जिसके बाद 18 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि बच्ची बुधवार शाम को खेलते खेलते बोरेवेल के समीप चली गई और फिर 28 फीट गहराई में गिर गई थी। बच्ची को बचाने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर मासूम को रात में बाहर नहीं निकाला जा सका। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और कैमरे में बच्चे की हलचल कैद हुई और फिर सुबह बच्ची को सफलतापूर्वक निकाला गया। इसमें समस्या ये थी कि ये 600 फीट का बोरवेल था, हमने नीचे एल लगा रखा था और बच्ची जो है 28 फीट पर फंसी हुई थी। अब उसमें 12 फीट का केसिंग थी और नीचे बिना केसिंग का था बाकी एरिया, तो केसिंग होने की वजह से हम उसमें बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे। छोटी रिंग से उसका हाथ लॉक नहीं हो पा रहा था और बड़ी रिंग से उसकी डाल नहीं पाने की वजह से हम जो है उसको लॉक नहीं कर पा रहे थे। हमने उसके साथ ही क्या किया था कि इसकी पैरलर जो है अप्रोच स्टार्ट कर दिया था, तो हमने पैरलर में 28 फीट पे उसके पैर थे तो हमने 31 फीट की खुदाई की और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच की 20 फीट दूर से, और हमने जो है 21वें फीट पे जो है उसके पैर के नीचे बिल्कुल सैंडल के वहाँ पे जाके अप्रोच किया और पहली बार में हमने सफलता प्राप्त कर ली। उसमें कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि वो कंटिन्यू जो है हम सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए जो है बीच में कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे कि बच्ची की जान को कोई खतरा हो, तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमने जो है पहली बार में अचीवमेंट प्राप्त कर।